हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.1 का मेथड किया था, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x²(d2y)/(x²+2x)(dy/dx)+(x+2)y=(x³e^x). ये गिवन है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए जो जनरल फॉर्म होती है, देखो जनरल फॉर्म क्या है, ये है d2y/dx²+p(dy/dx)+qy=r। इसमें क्या है, d2y/dx² का कोफिशेंट 1 है, लेकिन यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उसमें इसका कोफिशेंट क्या है, x² है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देंगे ताकि इसका कोफिशेंट क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो इस पूरी इक्वेशन को x² से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस फॉर्म में बन जाएगी d2y/dx²-1+2x(dy/dx)+1x+2x²(y=x)e^x। इस फॉर्म में आ गई। इस फॉर्म जो ये इक्वेशन बनी है, इसको क्या करेंगे, जो जनरल इक्वेशन है यानी कि ये, इससे कंपेयर करके पी क्यू एंड आर की वैल्यू निकालेंगे। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्या है, dy/dx का कोफिशेंट है, तो यहाँ पे क्या है, dy/dx का कोफिशेंट ये है -1+2x। ऐसे ही क्यू क्या है, वाई का कोफिशेंट, यहाँ पे वाई का कोफिशेंट ये है, तो क्यू की वैल्यू ये आ गई एंड आर की वैल्यू ये आ जाएगी। पी क्यू आर की वैल्यू आने के बाद हम क्या निकालते थे, सी एफ निकालते थे। सी एफ मैंने आपको लास्ट टाइम 5 इक्वेशन बताई थी, वो क्या थी, सी एफ निकालने के लिए थी। सी एफ के लिए क्या था, उन 5 इक्वेशंस को आप स्टेप वाइज फॉलो करोगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन देखोगे, अगर वो सेटिस्फाई हो रही होगी तो उससे सी एफ निकल जाएगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, सेकंड देखेंगे एंड सो ऑन, जैसे चलता रहेगा। जो भी इक्वेशंस थी वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, पी प्लस क्यू एक्स कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जब पी प्लस क्यू एक्स 0 था तो उस केस में सी एफ क्या लेके चलते थे, y=x। तो सी एफ कितना आ गया, y=x। सी एफ की वैल्यू आने के बाद अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कैसे निकलता है, y=u(v), वेयर u क्या है, सी एफ, एंड v क्या है, पी आई। सी एफ की वैल्यू निकल चुकी है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी आई की वैल्यू चाहिए, मतलब v की वैल्यू चाहिए। तो ये जो आगे का प्रोसीजर है वो किसकी वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं, हम v की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। तो क्या किया, लेट y=vx। x किस लिए, क्योंकि यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x, ठीक है। सी एफ की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, और u क्या होता है, सी एफ, तो u की जगह क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी क्या, v(x)। अब किसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx की वैल्यू चाहिए एंड d2y/dx² की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यूज़ किस लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि मेथड क्या कर रहे हैं, हम डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने वाला कर रहे हैं, जब सी एफ की वैल्यू क्या पता हो, हमें ऑलरेडी पता हो। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई, तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल वाई को हम क्या करेंगे, वी में चेंज कर देंगे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे वाई dy/dx एंड d2y/dx² है, इसको क्या करेंगे, वी में चेंज कर देंगे। तो इसीलिए इनकी वैल्यूज़ क्या कर रहे हैं, वी की फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो y था, डिफ्रेंशिएट किया इसको प्रोडक्ट रूल से, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, d2y/dx² की वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे पुट करेंगे। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो इस टाइप से बन जाएगी, यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन टर्म्स को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, v में इक्वेशन बन जाएगी। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, यहाँ पे y, किस में चेंज हो गया, v में चेंज हो गया। क्या आ गया, d2v/dx²-dv/dx=e^x, ये बन गया। अब इसके बाद जब v में इक्वेशन आ जाती थी तो उसके बाद हम क्या करते थे, p में इसको पुट करते थे। क्या पुट करते थे, पी की वैल्यू dv/dx को क्या पुट कर देंगे, पी पुट कर देंगे। तो उसके बाद क्या हो जाता था, लीनियर इक्वेशन बन जाती थी पी में। तो क्या किया, पुट p=dv/dx, तो क्या फॉर्म बन गई, dp/dx-p=e^x। ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई, किस में,
पी में लीनियर इक्वेशन बन गई। और लीनियर इक्वेशन अगर बन जाती है तो उसका सॉल्यूशन हमें आता है निकालना। कैसे निकालते हैं, पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, देन उसके बाद सॉल्यूशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डैश डी एक्स। पी डैश क्या है, जो पी का कोफिशेंट है। यहाँ पे पी का कोफिशेंट कितना है, माइनस वन। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, पी डैश का कोफिशेंट माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद किसकी वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, पी। पी क्यों, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन किस में है, पी में है। तो पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, ई रेस टू पावर माइनस एक्स, तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू डैश की वैल्यू। क्यू डैश की वैल्यू क्या है, ई रेस टू पावर एक्स, तो ई रेस टू पावर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, ई रेस टू पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दिया ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी वन। सी वन क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज़, एंड यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर जो इनकी पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो कैंसिल हो गए, कितना आ गया, ई रेस टू पावर जीरो। ई रेस टू पावर जीरो कितना होता है, वन, और वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी वन, ये आ गया। वैल्यू किसकी चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, तो ई रेस टू पावर एक्स उधर जाएगा, तो इसका यहाँ पे इंडेक्स क्या था, नेगेटिव, यहाँ पे आके क्या हो गया, इंडेक्स पॉजिटिव हो गया। किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। अब देखो पी की वैल्यू क्या थी, डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे पी की वैल्यू पुट की डी वी बाई डी एक्स। इसलिए पुट की क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वी की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए क्या कर दिया, पी को वापस से वी में चेंज कर दिया, तो क्या आ गया, डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी वन ई रेस टू पावर एक्स, ये आ गया। अब वी की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, वी। एंड यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखो दोनों फंक्शन किसके हैं, एक्स के हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, वन। एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स होता है डी एक्स प्लस यहाँ पे सी वन, एंड ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स ही होता है प्लस सी टू। सी टू क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो क्या आ गया, v इक्वल्स टू ये एज इट इज़, एंड यहाँ पे क्या है, e रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन, तो e रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x प्लस ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। u की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे आएगा, y इक्वल्स टू यू वी होता है। u की वैल्यू हमने पीछे देखी थी कितनी आई थी, x आई थी, तो इसीलिए क्या लिखा है, y इक्वल्स टू वी इंटू एक्स, और v की वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, v की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया।